Hello everyone, welcome to the class of mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the department of mathematics from NIT Polytechnic Nagpur. Topic of our today's lecture is examples on partial fraction. So let's see course outcomes. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know how to solve problems on partial fraction. तो आज भी हम partial fraction का next example solve कर रहे हैं. इस एग्जाम्पल को हमें किस तरह से करना है ये आप सभी पहले ध्यान से देखेंगे. उससे भी पहले, इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपने क्या देखा है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स में केस वन के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखा है. ओके, आज भी हम केस वन का ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. तो केस वन की हेडिंग आप सभी को याद हो चुकी होंगी. केस वन की हेडिंग क्या है हमारी, When the denominator has distinct linear factor. कितने factors होना चाहिए, linear factor होना चाहिए और distinct होना चाहिए. ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, मां कैसे distinct, इसका मतलब कि अलग अलग factors होना चाहिए और linear होना चाहिए. linear का मतलब क्या होता है कि x का power 1 होना चाहिए. लेकिन अभी हमारे पास जो यहाँ पे हमें example दिखाई दे रहा है वहां पर तो x का power 2 लिखा हुआ है बच्चों. तो अब बताइए ये लीनियर है क्या अभी, नहीं, ये अभी तो लीनियर में नहीं है. अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं इसकी तरफ आप सभी ध्यान देंगे. तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा, 1/x² - x. देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर भी x का टर्म है, यहाँ पर भी x का टर्म है, यहाँ पर लेकिन स्क्वायर है. ओके, और यहाँ पर सिर्फ x है. तो आपको पता है जो भी सिमिलर टर्म रहता है और कम पावर वाला रहता है वो हम कॉमन ले सकते हैं. एक्स को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो एक बार एक्स बाहर आया तो कितनी बार एक्स बचा, सिर्फ एक ही बार. माइनस का साइन जैसे का वैसा, यहाँ से एक्स बाहर आ गया तो क्या बचा, सिर्फ 1. तो अब बताइए, अब ये जो दो टर्म आपको मिले हैं वो दोनों टर्म कैसे है, लीनियर और डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है. हाँ, ये एक सिंगल एक्स का टर्म है, इसके बाजू में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जीरो है. ठीक है, तो एक्स प्लस जीरो या फिर एक्स माइनस जीरो इस तरह से हम लिखते नहीं है. ठीक है, यहाँ पर सेकेंड टर्म आपका आया एक्स माइनस वन, ये दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों में एक्स का पावर 1 है. ठीक है, तो ये पावर जब 1 है तो वो लीनियर फैक्टर तो हो गए और अलग अलग है तो डिस्टिंक्ट भी हो गए. इसका मतलब कि ये वाला हमारा एग्जाम्पल भी कौन से केस में चले गया, केस 1 में. तो केस 1 के एग्जाम्पल्स को आप सभी को सॉल्व करना बात चुका है. क्या करते हैं हम, एक वेरिएबल लेते हैं. ठीक है, a लिया तो यहाँ का फर्स्ट वाला फैक्टर क्या है, x लिखा, प्लस फिर हमने b लिखा, फिर सेकेंड फैक्टर क्या है हमारा, x माइनस 1, वो लिख लिया. ओके, इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये टर्म भी लिख सकते हैं, ये टर्म भी, बट हम किसके साथ सूटेबल रहते हैं, जब जो फैक्टर्स निकालते हैं उसके साथ. तो ये वाले टर्म को लेके हम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट स्टेप, 1/x(x-1) इक्वल टू, दो ही टर्म है तो मैंने क्या बताया आप लोग को, सिंपली क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ए का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करोगे, एक्स माइनस वन के साथ, प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करोगे, एक्स के साथ, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन हो गए. ओके, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कि डिनोमिनेटर कैसे लिखना है तो मैंने आपको बताया है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर रहेगा वही डिनोमिनेटर सेम आप लोग कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड, और न्यूमरेटर में सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूंगे. ओके, उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को कट कर देना है.
सिर्फ न्यूमरेटर का टर्म लिखेंगे हम, वन इक्वल टू ए एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू हो गया। इक्वेशन नंबर टू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा एम रहता है कि हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर वन में जहाँ ए लिखा रहता है उसका डिनोमिनेटर देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है। तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स के बाद कुछ नहीं लिखा है, प्लस वन नहीं लिखा, माइनस वन नहीं लिखा, प्लस टू, माइनस टू, समथिंग कुछ भी नहीं लिखा है। तो ऐसे इसमें क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू में अब हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है। ओके, तो अब जहां पर भी इक्वेशन नंबर टू में एक्स लिखा है वहां पर हम जीरो लिखेंगे। वन इक्वल टू ए एक्स इज रिप्लेस बाय जीरो माइनस वन। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है जब हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे केस वन में तो बी वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर x की जगह हमने जीरो रखा तो जीरो इंटू बी जीरो। ओके, वन इक्वल टू ए जीरो माइनस वन माइनस वन इक्वल टू ए इंटू माइनस वन माइनस ए। तो हमें क्या मिल गया, वन इक्वल टू माइनस ए। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू माइनस वन लिख सकते हैं। यस, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये माइनस साइन को सिर्फ इस साइड में लिख दिया। ओके, क्योंकि हमें माइनस ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई है, हमें ए की वैल्यू मिल गई है माइनस वन। अब हम सेम इसी तरह से अब हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, b का डिनोमिनेटर देखना है। तो b के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन लिखा है। सो पुट x इक्वल टू माइनस वन लिखा है तो हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू प्लस वन, इसका मतलब कि वन। कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर टू, ये हमारा जो इक्वेशन नंबर टू है उसमें। अब लेफ्ट हैंड साइड में जैसे वन लिखा है तो वन ही आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अब हम b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यही जहाँ पर a टर्म लिखा हुआ है वो क्या हो जाता है, जीरो। चेक कर लीजिए फिर से, x की जगह पे वन लिखा, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू ए जीरो। तो डायरेक्ट भी इस तरह से हम जीरो लिख सकते हैं, प्लस b एज इट इज, x की जगह क्या आ गया वन। लेफ्ट हैंड साइड में वन फिर से जैसे का वैसा, जीरो प्लस जो भी टर्म रहेगा सिर्फ वही टर्म आएगा। ओके, जीरो प्लस नहीं लिखना पड़ेगा हमें, तो b इंटू वन बी। तो हमें इस तरह से b की वैल्यू भी मिल गई, तो हमें b की वैल्यू क्या मिली है, b इक्वल टू वन। अब हमें क्या करना पड़ता है, a और ये b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट करना पड़ता है, रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन वन इम्प्लाय दैट वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, हम जो गिवन टर्म दिया हुआ है वो भी लिख सकते हैं। अगर आप पे आपको इस तरह से ये लिखना है तो ये वाला टर्म भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये टर्म लिख के डायरेक्टली ये टर्म लिख लेते हैं हम। ए की जगह हमने लिखा माइनस वन, डिनोमिनेटर का एक्स जैसे का वैसा, प्लस बी की जगह हमने लिखा वन, डिनोमिनेटर का एक्स माइनस वन जैसे का वैसा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमको क्या मिल गया है, पार्शियल फ्रैक्शन का सोल्यूशन मिल चुका है। ओके, तो देखा आपने कितना इजी है, सिर्फ यहाँ पर भी क्या हुआ है, सिर्फ एक स्टेप यहाँ पर ऐड हुई है। ओके, तो ये स्टेप आप सभी को ध्यान देकर समझना है। ओके, देखना कि क्या कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन ले सकता है हमने उसे कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सिर्फ गड़बड़ क्या करते हैं, ये जो x इक्वल टू जीरो पुट करना है उसकी जगह अपने मन से कुछ भी कुछ पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है प्लस वन, अगर आपने यहाँ पे वन पुट किया तो लेंथी हो जाएगा, आया समझ में, क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, टू पुट किया तो भी लेंथी हो जाएंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे।
क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि x की वैल्यू आपको जीरो पुट करना है a की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब इसी के ऊपर बेस्ड आप लोग को असाइनमेंट भी सॉल्व करना है, तो ये असाइनमेंट है, ओके, इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी, फर्स्ट वाला तो आपको इजीली आ जाएगा, यहाँ पर भी आप x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी x कॉमन लिया तो x माइनस वन, ओके। लेकिन आप सेकेंड वाले क्वेश्चन में आइए, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे आप लोग अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेना है। तो देखिए, ये जो वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसे हम वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वन का स्क्वायर मीन्स वन ही होता है, ठीक है, इसीलिए हमने वन की जगह पे वन स्क्वायर लिख दिया। और हमने देखिए ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास, है सभी को पता है, ओके। तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास यहाँ पे वन, और एक्स, बी की वैल्यू क्या दी हुई है एक्स, तो हम ये जो डिनोमिनेटर हमारा आया है उसे हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, या फिर पहले 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हो जैसे कि आंसर में दिया है, और बाद में 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ये हो गया, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर्स को कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी देखिए ये क्या लिखा हुआ है टर्म, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये टर्म लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, एक्स पहले हम स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है, तो एक्स का है एक्स स्क्वायर, लेकिन उसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिख दिया। एक्स का टर्म दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, फिर डायरेक्ट हमने क्या दिया, वन, वन के सामने में कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस वन। आपका जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है वो किस तरह से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म जो कि यहाँ दिया है, एक्स का टर्म नहीं दिया है, इसका मतलब जीरो इंटू एक्स हुआ प्लस कॉन्स्टेंट टर्म दिया है तो सी की वैल्यू क्या हो गई, वन। तो इससे आप अब क्या कर सकते हो, कैलसी की मदद से फैक्टर्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो यूजिंग कैलसी, ठीक है। तो आपने इससे पहले भी कैलसी से फैक्टर्स निकालना सीखा है, देखिए ये इक्वेशन आया है हमारा, क्या करना पड़ता, ऑन किया हमने, उसके बाद मोड की बटन दबाए, फाइव नंबर पर इक्वेशन की बटन दबाए, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर कैलसी में कौन से नंबर पर है, नंबर थ्री पर, ये बटन प्रेस किया। अब देखिए क्या करना बताया था मैंने आप लोग को, वेरिएबल्स के सामने वाले नंबर्स कैलसी में एंटर करना है उनके साइन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है, माइनस वन लिखा है, तो पहले माइनस का साइन फिर वन और उसके बाद इक्वल टू का साइन, तो देखो यहाँ पर माइनस वन आ चुका है, ओके। अब सेकेंड में वो एक्स की वैल्यू पूछता है हमेशा, अगर आपने भूल से यहाँ पर दो ही टर्म है डायरेक्ट वन लिख दिया तो आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, गलत आ जाएंगे, पहले हमेशा एक्स स्क्वायर का टर्म फिर एक्स का टर्म आना चाहिए, तो x की जगह पर x का कोफिशियंट क्या है, जीरो, क्योंकि जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x का टर्म था ही नहीं, ओके। तो अब हम प्रेस करेंगे जीरो की बटन, जीरो इक्वल टू, और उसके बाद हम प्रेस करते हैं अब वन इक्वल टू, ओके, वन प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करने के बाद फिर से एक बार इक्वल टू प्रेस करूँगी, तो देखो इस तरह से लिख कर आया एक्स वन इक्वल टू वन, क्या लिख कर आया, एक्स वन इक्वल टू वन, ओके। एक बार फिर से इक्वल टू की बटन प्रेस किया तो अब लिख कर आया एक्स टू इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो इसी तरह से फैक्टर्स है, मैंने आप सभी को बताया था, प्लस में आया तो इस तरफ लेकर आया तो ओके क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, और इस साइड में आके एक्स प्लस वन, ओके। तो ये आपके फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालेंगे आप सभी, अगर आपको कैलसी का यूज़ करना नहीं आया तो कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी आप लोग कैलसी से यूज़ करके, या फिर ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है उससे यूज़ कर लूँगी, तो इसके फैक्टर्स कैसे आ जाएंगे,
एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है। ओके, तो ये असाइनमेंट आप लोग को सभी को सॉल्व करना है। आने वाले टॉपिक में हम केस वन पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।